हमारे चैनल LF News 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सारिया नूं सति श्री अकाल, मैं हाँ रिपोर्टर एकता खुरमी। चैनल LF News 24 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत करती हाँ। अज असी पहुंचे हाँ जेठूवाल पिंड विच डेरा सुधारपुरी, जिथे कि एक नौजवान हरी सिंह दे कातिल उसकी पत्नी और उसका आशिक ही निकले। पुलिस वालों उन्होंने दोषियों के खिलाफ परचा दर्ज किया गया। अज असी उस परिवार के घर में खड़े हाँ, सनसनी का माहौल छाया होया है। अज उस परिवार के नाल गलबात करिए जी। सति श्री अकाल अंकल जी, तुहाडा नाम? मेरा नाम जसवंत सिंह। डुबई चले गए जी। डुबई चले गए, कुछ 2 साल डुबई ला गया, 5-6 महीने हो गए इत्थे रहिंदा सी। लॉकडाउन तो पहला इन्हां ने मंगाया भी मैं तैनूं उधर ला जाना बाहर की देखदा इंग्लैंड लै भेज देना। इन्हों भलचे ना लिया के लिया के तो मुड़ के इन्हों के कागज़ हरी ने पासपोर्ट जोड़े ही अपने वापस ले लिया। पासपोर्ट लैन के नाल ही इन्होंने उतनी प्लेन जोड़ा ही इन्होंने हौली हौली तेज़ कर दिता। उन्होंने भी दवाइया नशे देनिया ने दवाइया दे रहे जहाँ वो जरा सा हरी सिंह से ए डोर भरिया वो तुरा फिर रहा। तो खीरी जी उन्होंने पूरी मौत कर दस कर दी। इन्हों की अंकल जी आपस भी अनबन रही थी? इन्हों की अनबन बहुत ज़्यादा जी। बड़ा जहन किया, कभी कोठे ले जा फोन ले जा, हरी ने मगरे मगरे दे फोन ले फिर तुर पैना। वो उतरों उतरी आ फिर इतने मगर आना उन्होंने इन्ना इन्हें परेशान किया जी। मैं तुहाडे नाल अंकल जी उन्होंने व्यवहार किदा दा सी? तुहाडी नूंह दा जिहड़े उन्होंने व्यवहार तुहाडे नाल किदा दा? बहुत माड़ा, असीं दस नहीं सकते व्यवहार साडे नाल करदी रही है। अं चुप चाणी अं रीते रहेंगे भी साढ़े को कोई वजन ना माला निकल जाए, सानू अपने शरीर बड़ा अपने भैन भरा की आखन के भी एक नूह अं नहीं विसा सके। अंकल जी कदम शक नहीं होया उन्होंने? शक हों जो जाती जो स्कूटी तो जाती ही बच्चे तैयार करके मनेरे निकल जाती ही भैन चलो मैं पलाने हाउस चली हाँ, मैं ढींगर हाउस चली हूँ जितों जितों पता लगता मैं हाउस चली है। तो तुम कदम रोकया नहीं उन्होंने आन जाने तो? कभी नहीं रोकया ना भी साढ़े घर का सा बेटा कि सू आखूगा भी तू मेरे घर दें तंग कर दे। उन्होंने बहुत अपने सजे ढंग की उन्होंने जो भी साढ़े बयान लिखे थे वो चले गए। हाँ जी बीजी थोड़ा की कहना वा, मतलब थोड़े जो बेटे की डैथ हुई इस वारदात को अंजाम दिता गया वा, उन्होंने पत्नी वालों अपने आशक न रल के थोड़ा इस बारे की कहना? साडा यह कहना भी इन्हें अं गए हाँ कोठे देते इन्होंने थले आ गए, तो इनू अपने मुंडे नी थले उतर जा, इन्हें थले कलाता तो मुड़ के फिर ये थले आ गया। तो फिर मुड़ के फिर इन्हें लिया के पता नहीं किन्नी बारी इन्हें 2 बारी पानी दिता। तो मुड़ के फिर मैं जो गुरुद्वारे आई हूँ तो मेरे आमदन बाहर तो पैर निकले धोते इन्हें वो खेस दिता, तो मैं आँधी इन हाथ ना लाओ तो आँधी इनू आँधी सुता वा, मैं सुता कितने आ। मुड़ के फिर मैं जो मरौड़ा रप्पा पाया तो मुड़ के भजे आए लोग तो आ वेख्या। ते अंडे जो उपर रहिंदे सी जां तुहाडे नाल नीचे रहिंदे सी? ओ उपर रहिंदे, आपां थले रहिंदे हां। ठीक है, ते कदे अंडे तुहानूं शक नहीं होया उहनां ते? तुसी कदे उहनां दे रूम च गए उपर जां तुसी लड़के नूं इधर आंदे देखिया? नहीं, मैं जदों गई हां उदों इह अंदर ही ते नहा के ते मुड़ के थले कोठे दे उपर चल गई आ। ते उह आए ही ते उहदा डैडी वी आया थले, ते उहनूं फिर पहलां 1 बजे उहने मुड़ के फोन कीता, मुड़ के 2 बजे कीता, ते मुड़ के फिर इह आए 5 बजे। ते बाहर मुड़ के फिर एक डाक्टर लिआंदा, ते मुड़ के फिर उहने कहा भी ये है नहीं, मुड़ के जो हैनी गल आखी तो मुड़ के फिर वो एक होर डाक्टर लिआंदा वा इन्हें, तो सानू एक वारी नहीं उन्हें आके दस्सिया। तो आंटी जी जिस दिन उन्होंने डैथ हुई थी संस्कार भी हो गया सी, ते फिर तो उन्होंने उस उन्होंने वाइफ से शक किदा होया? तुहानू सानू इस तरह है भी अं फुल कहा भी चल त्या मैं नहीं जाना, तो मुड़ के फिर इन्हें अं फुल चुगन चल गए हाँ, तो मुड़ के फिर ये आ मासी यदि भी आखे भी इन्हें नहीं जाना,
मुड़ के साड़ी वो कुलदीप आख लगी भी जाना क्यों नहीं है तो इन्हें फिर अपनी बेटी ने इन्हें अपने गद च लिया तो वह मुड़ के फिर जो अं गल आखी आ तो आँदी भी मैं नहीं जाना तो वो माँ आँदी है न्याणी मैं न्याणी कितने आ मैं भी सारे भैन भरा खंडे तू चल साडे नाल तो आँदी नहीं नहीं मैं नहीं जाना मेरा शरीर कंबदा मैं भी तू मैं हूँ तेरा शरीर कंबदा मैं जरा तू मार लगी है मारिया उदो नहीं तू वेख्या कुछ मैं तो मैं उदो सोचती मैं तू कुछ तो मुड़के जी ने इन्नी गल आखी आ हाँ जी मैं नहीं जाना तो प्यो यद आया तो आंदा कटो व्डे बदमाशों बहर आंदा इतने मुड़के जो इन्नी गल आखी आ मुड़के आंदा इतने की ही आंदा इतने मेरी कुड़ी भंग भुज दी इतने आंदा इतने की ही तो आने के बाद बद घट गल लग पाया मुड़के फिर अंदर फिर मुड़के फिर ये बहर गई मलेशिया तो फिर अंदर इन्होंने पुलिस वाले ने बयान लाए ये आंटी उन्होंने घरों गए किन्ने दिन हो गए अच्छ उन्होंने हो ही गए महीने तो उत्तों हो गए हाँ जी बेटा तो मम्मा से मम्मा तो प्यार करते नहीं ते, मतलब जिस दिन तो पापा की डैथ हुई है उस दिन कोई गलबात हुई थी तो सामने तुम देखा उन्होंने हाँ जी की देखा तुसी वो फोन चलाउन डे सी ते जो एक मैं पहलो वेख्या सी उतो कोई आन डिया सी ते काला जिहा गोल जिहा परना बन्निया ते जिन्ना तक मैं थले गया उन्ना चिर उत्थे नहीं उत्थे ही तक ही अच्छा वो उपर आए सी तुसी उन्हां नूं देख्या ठीक है ते पापा ते मम्मा दी लड़ाई हुंदी सी अक्सर रहिंदी सी लड़ाई उन्हां दी तुसी देखदे सी हाँ जी ते तुहानूं कुछ कहिंदे सी उह नहीं अंकल जी जो जी नूँ है वह इतों घरों गए भी घरों कोई प्रॉपर्टी वगैरह पैसे वगैरह भी लैके गए जी प्रॉपर्टी डीलर अही अपना जो है अपना विघा पैली वेची 8 लाख की कुछ वो लिया कुछ इन्होंने गाइया वेची 40,000 की कुछ वो लै गई कुछ होर जोड़े ही अपने जोड़े सोना साना साढ़े को बहुत सगा सोने का एक मासा भी घर के धोते जी मेरी पिलसन जोड़े पैसे आए हे 12-13-15 लाख वो भी इन्होंने पता नहीं लगना था सानू कित्थे लै गए मैं अपनी पिलसन से गुजारा करता रहा मैं इन्हों पुछया नहीं भी मैनू जा पैसे चाहिए आ जा मैनू कोई होर मैनू चीज़ चाहिए आ ना मैं सिर्फ अपनी पैसे का महाराज का सिख हाँ मैं हाँ मैनू अपनी पिलसन ही बड़ी है ये जी अपनी यजंती मैं अपनी पिलसन पालदा अंकल जी तुसी सरकार तो की अपील कर दे सरकार तो साड़ी यो ही मंग आ भी जो भी साड़े नाल मेरे परिवार के नाल होया तो सानू यदा जोड़ा विश्वास मिलना चाहिए भी जरा इन्ह लोगों जो जो गांह वास्ते कोई गांह यह हरकत ना कर भी घर दिया वेखो निके निके बच्चे रह गए साढ़े को रह गया साढ़े को साढ़े परिवार को रह गया हूँ उस तो बिना है भी कुछ नहीं अं तो बजुर्ग हो गए हाँ ये बच्चे आ 2 साल वो दुबई ला गया सब पैसे लै गई है जो ही उन्होंने घलता है सानू कोई पैसा नहीं दिता उन्होंने भी घलता है साढ़े को सगो मंगने भी भुआन इन पैसे दे दौ इनू 5,000 दे दौ 6,000 दे दौ वो भी लै गई है न्याण दीसा ही वह भी लै गई हाँ कोई घर के नहीं साढ़े एवं आखीए भी जो ने जानू ये कुछ मंगया तो अं यो ही आखना भी सानू यह साडा पोतना आखे जा भी ये मेरी घरद मेरे को कुछ माड़ी चंकी आखी है ये है वारा स्कूटरी ली नवी स्कूटरी ली स्कूटरी तैयार चली गई स्कूटरी तैयार चली गई मैं आप फलाने थान से चली हाँ मैं ढींगड़े से चली हाँ दसना सानू कुछ भी ना अं पढ़ पर अं ना योजे बंदे हाँ गुरु के सिख जोड़े वो कम जरा करते नहीं जो मर्जी हो जाए पर साढ़े ना जरा वतीरा होया ये कोई चंगा नहीं हो अं तो कलगिया वाले पाशाह ही डोरी सुटी आई परमात्मा तू हाँ ये साढ़े को रह भी नहीं की गया है हूँ यार निके निके बच्चे वेख लो साढ़े को आ अंकल जी जो मुंडे नाल तुहाडी नूंह गई आ वो इसे पिंड दा वा जां इत्थों बाहर दा वा ये अपने अड्डे ते रहिंदे आ जी इत्थे पिंड जठूवाल दा ही आ ठीक है ये अपने अड्डे च रहिंदे आ ते अपना इसे पिंड दा ही आ अड्डे ते रहिंदा वा ते इसे पिंड इन्हां दी फैमिली दा हुण तुहाडे ते कोई दबा है इन्हां दी फैमिली दा सानूं बहुत खतरा जी इन्हां दी फैमिली तों भी साडा कोई जानी मानी नुकसान ना किते कर देण मेरे निक्के निक्के बच्चे आ मैनूं भी डर आ भी मैं रात बराते इतने कला रात बराते मैं इतने बह के रात कटदा भी यहोजा माहौल चलन दिया भी पता नहीं किहड़े वेले इन्हें आण के कोई ना कोई इन्होंने मेरे ते हल्ला बोल देना हाँ जी तो मैनू मेरे पिंड दे मेरे भैन भरा जिहड़े आ उन्हां नूं मैनू मेरा मैनू सहयोग है उन्हां दा भी मैं हर वेले मैनू पुछदे रहिंदे भी भाण दसो कोई सानू कोई गलबात कोई कितना दी होए तो सानू माड़ा उस वेले सानू फोन करो
ਸਾਡਾ ਮੈਡਮ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਘਰ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਥੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਰੈਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਜੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਮਿਲਾਈ ਰੈਸਟ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਚੰਗਾ ਪਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਝੁੰਚਣੀ ਆਈ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਉਹ ਝੱਲ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੈਸਟ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨੇ ਬੀ ਬੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ 120 ਅਤੇ ਜਦੋਂ 120 ਦਾ ਬਲੱਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨੋਰਮਲ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮਿੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਰੈਸਟ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਰੈਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਤੈਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਡੇਲੀ ਕੰਮ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਖੇ ਖਾ ਗਏ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਤੋਏ ਤੋਏ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਨ ਡਿਆ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਜਾਣਾ ਖੇ ਖਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਧੂਗੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ ਗੋਡੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰਗੜੇ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਪਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁੱਕੜ ਖੇਡ ਆਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਪਾਈ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਜੇ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕਣ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰਾ ਘੱਟਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕਣ ਗਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਭਲਵਾਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੜਨਾ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕਣ ਬੜੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵਾਹਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਤਰਲੇ ਲਏ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਪੂਰਾ ਆਇਆ ਵਾ ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕਣ ਚੱਲ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕਣ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਠੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜੇ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਮੜੀ ਢੱਕਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕਣ ਦਿੱਤੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੜੀ ਢੱਕੀ ਆ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੌਂਕੀ ਕੀਤਾ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਐਸ ਆਈ ਆਇਆ ਵਾ ਉਹਨੇ ਗੋਂਗਲੋਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਤੀ ਮੈਂ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫਿਰ SSP ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਹੇਰ ਕੁਮ ਹੋ ਗਏ SHO ਕੋ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਮੌਕੇ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆਣ ਕੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਆ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਵਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਅੱਧਾ ਇਕੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਕ ਕਰਾਈ ਪੈਲੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਲਾਤੀ ਉਹ ਵਿਕਾਤੀ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਡਬਈ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਗਿਆ ਵਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪ ਖਾਈ ਗਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਵਾ ਕਿਹਦਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਇੱਕ ਭਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਰੈਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਵਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਗੋਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਰਗੜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਿਓਕੂਆ ਵਿਚਾਰਾ ਭਲਮਾਨ ਸੀ ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ ਹਾਂਜੀ ਦੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਬੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਹਾਰ ਠੀਕ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਲਾਸਟ ਹੋ ਜਿੱਦਣ ਹੋਈ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਬਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਬਈ ਚਲ ਜਾਣਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਮਾ ਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਘਰ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਡਬਈ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਲੜਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਦਾਗ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਝਿੰਮਾ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਵਾੜਿਓ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੀਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਆ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਪੇਕੇ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ
सानू इंसाफ मिले, बस साढ़े वीर नू भी इंसाफ मिले। तो जिदन साडा वीर इदा होया है तो उस बंदे नू मैं क्या चरणजीत सिंह चिम्मा जो उन्होंने मैं पूछया, मैं क्या भी मेरे वीर की किदा मौत हुई, तो मैनू कहता चल आ तू कोठे ते, सानू दोनों भैनों कोठे ते लै गया। कोठे ते लैके जाके कहिंदा भी मेरिया ऐसे हत्थां दे विच मेरे मतलब दम तोड़िया उन्हें, तो मैनू कहिंदा सी कि जान लग्या भी तीन बंदे आ जिहड़े आपां कुटणे आ, वह तिना बंद बहुत ज़्यादा आपां कुटना है, तो तीन बंद नाल लए उन्हें गोपी चन्ना ते गिंदर, इन्हां नू आपां कुटना आ। हैं फिर मैं उन्होंने इन्नी गल भी कही, मैं जे तेनू इन्नी गल कह के गया ना वो, तो फिर मैनू भी इन्नी गल कह के गया सी कि मेरा बंदा मेरा वीर कहिंदा सी कि चिम्मा बड़ा गंदा बंदा जे उन्हें घर ना वाड़ियो। बस सानू एको ही गल है कि सानू तो इंसाफ चाहिए, मेरा माँ प्यो बजुर्ग आ के छोटे छोटे बच्चे आ, सानू तो इंसाफ ही चाहिए, सख्त तो सख्त, सख्त तो सख्त जिन्हों कहते ना सज़ा होवे। एक दोस्त ही दोस्त ने अपने दोस्त नाल कीती यार मार, पत्नी ने अपने आशक नाल रल के अपने ही पति दा कीता बेरहमी दे नाल कतल। पत्नी अमनदीप कौर अते उसका आशक चरणजीत सिंह चिम्मे दे नाल फरात। उन्हां दी प्रशासन तो यही मांग है कि उन्हां दोनों नूं सख्त तो सख्त सज़ा दी जाए। रिपोर्टर एकता खुरमी, कैमरामैन कुलदीप सिंह, जिला अमृतसर।